हेलो कैसे हो गाइस, आप जाओ सर अंदर। ओ गाइस ये देखो गाइस अक्की आया आज इतने दिनों बाद मम्मी और रुबल से मिलने। नहीं वो नहीं आया। अरे तनिष्क हेलो गाइस वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग गाइस, और आप सबके लिए सरप्राइज है गाइस, बहुत दिनों बाद मतलब फर्स्ट टाइम मेरे साथ व्लॉग में मेरा जो सबसे प्यारा भाई है, मेरा छोटा सबसे प्यारा भाई आकाश शर्मा आज हमारे साथ जुड़ा हुआ है। तो मिलो आकाश शर्मा, आया कनाडा से स्पेशल कुछ फंक्शन अटेंड करने आया। देखो गाइस हेलो कैसे हो गाइस। तो गाइस ये टोरंटो में रहता है और इसको यहाँ गर्मी लग रही है, कह रहा वहाँ पे जो ठंड पड़ती है ना। तो फर्स्ट टाइम मैं आपको दिखा रहा हूँ आकाश शर्मा, और इसका दिमाग बहुत तेज चलता है, और अभी ये स्कॉर्पियो चला रहा है क्योंकि वहाँ पे दूसरी साइड होता है ना चलाने वाला, तो इसलिए इसको थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि, और यहाँ ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे सब रूल रेगुलेशन सब फॉलो करते हैं रोड पे, लेकिन यहाँ कोई फॉलो नहीं कर रहा। तो गाइस इतने दिनों बाद मैं मिला हूँ अपने छोटे भाई से, और मिलके बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं व्लॉग की शुरुआत अभी करी है मैंने, क्योंकि मुझे पता था कि आने वाला है, तो इसलिए मैंने सुबह से व्लॉग की शुरुआत करी नहीं, इसलिए मैंने अभी करी है। और स्कॉर्पियो चला के अक्की कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है, एक नंबर गाड़ी है, मजा आ रहा है गाइस इसको स्कॉर्पियो चला के। एक्चुअली इसके पास भी गाड़ी है, वो है वहाँ पे कनाडा में। कौन सी गाड़ी है आपके तेरे पास? होंडा सिविक। होंडा सिविक चलाता है गाइस ये, वहाँ पे फुली ऑटोमेटिक, हमारी मैनुअल में आ जाती है स्कॉर्पियो, कोई बात नहीं, लेकिन मजेदार गाड़ी है, दमदार गाड़ी है। अरे ऐसी आप जाओ सर अंदर। ओ गाइस देखो अक्की मम्मी और रुबल से इतने दिनों बाद मिल रहा है गाइस, ये देखो गाइस अक्की आया आज इतने दिनों बाद मम्मी और रुबल से मिलने के लिए। एट लास्ट अक्की पहुंच चुका है अंबाला कैंट, मेरे से तो मिल लिया, मैं इसको ले गया था तो कह रहे भाई हमसे भी मिलवा दे। तो गाइस इस बार हम एयरपोर्ट पे नहीं मिल पाए, लेकिन हम अपने घर पे मिले हैं इससे अक्की से आज इतने दिनों बाद। तो गाइस ये देखो रो रही है, कह रही मुझे हाय हेलो नहीं कर रहा, बाकियों से मिली जा रहा है। नमस्ते मासी जी। गाइस अक्की आया, मैंने मासी को भी पैरी हाथ नहीं लगाया ना मास्टर को, तो कह रहे भाई भूल गया हमें। तो गाइस अक्की और गुड्डू और पिंकी मासी और मास्टर गए हैं सदर बाजार अंबाला कैंट में ही, अभी वो मुझे पता लगा, मैं रात को घर आया 8 बजे और मैंने उनको रास्ते में देखा भी था, वो यहीं पे हैं अभी। तो अभी हम भी जा रहे हैं, हो सकता है हमें वो मिल जाए, लेट्स सी देखते हैं वो हमें मिलते हैं कि नहीं। तो गाइज हम बाहर आ चुके हैं और अब जा रहे हैं बाजार में कुछ सामान लेने के लिए। तो गाइज हम बाजार में आ चुके हैं और अभी जा रहे हैं, और हो सकता है हमें अक्की मिल जाए। हमें गाइज अक्की मिल गया है, और अक्की और गुड्डू सामने है, वो देखो गाइज अक्की हमें यहीं पे मिल गया, और ये तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि अक्की गुड्डू हमें यहीं मिल गए हैं। अरे तनिष्क नहीं मिला है, अंजू का फोन आ रहा है। अच्छा अंजुमा से फोन आ रहा है, ठीक है। अभी हम डिनर करने आए हैं मैं मम्मी और उबर, और इसने कुछ नहीं खाना, ये कह रही मैं डोसा खाऊंगी, मैं और मम्मी सिर्फ डिनर करेंगे अभी यहाँ पे, बाकी इसके वो जाते हुए डोसा खिला देंगे। तो गाइस हमारा डिनर आ चुका है और अब मम्मी दाल डाल रही है कटोरी में, और ये देखो रुबल को हम बोल रहे हैं खा ले, लेकिन ये खा नहीं रही है गाइस, तो अभी हम खाना शुरू कर रहे हैं। हमने घर जाना था तो हमने डिनर तो कर लिया। इस रुबल इतने मज़े से बैठे गाड़ी में, देखो एकदम चेयर टेबल की तरह चेयर टेबल मिल गई है इसको यहाँ पे, देखो गाइस। और ये खाना शुरू कर रही है अपना, अपनी इडली खाना शुरू कर रही है।